हे फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया, वेलकम टू माय देशी कुकिंग, ईट देशी ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही झटपट सा, बहुत ही टेस्टी बंगाली आलू चना ग्रेवी। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप इसको रोटी पूरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी बनाइए और ये टेस्ट लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल मैंने यहाँ से 4 से 5 चम्मच लिया है, छोटे वाले चम्मच से। इसमें मैं डालूंगी ये पंचफोरन जो होता है, इसमें ये राई है, सौंफ है, काली वाली जो राई होती है वो है, आप इसकी जगह पे मेथी दाना होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल दूंगी, कलौंजी है, इसी से मिलके पंचफोरन बनता है। और इसी में मैं डालूंगी, अभी पे मैंने मीडियम आंच पे ही गैस को रखा है, इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता के बाद ये हरी मिर्च, आप सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको डाल के होने देते हैं। तो यहाँ पे ये पंचफोरन हो गया, तो इसमें मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे कच्चा आलू है, इसको मैंने छील लिया है, धो लिया अच्छे से, और इसको मैं इसी में डाल दूँगी। मैंने 2 आलू लिया था, इसको थोड़ा सा चला के भुनेंगे आलू को, बस 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 मिनट हो गया, आलू को मैंने थोड़ा सा भुना। और इसमें ये चना है, चना को मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह इसको अच्छे से धो के इसको भी इसी के साथ डाल देंगे, और डाल के इसको 2 मिनट जो है पकाएंगे धीमी आंच पे। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन हटाया और इसको चला लिया, ये थोड़ा सा दाल हल्का सा चिपकेगा बट कोई बात नहीं। और इसी में मैं डालूँगी अब ये लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, भुना हुआ नहीं, ऐसे ही प्लेन। और इसी में मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी टेस्ट अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसी में डालेंगे 1 चम्मच जो है चीनी, चीनी से टेस्ट बढ़ जाएगा। इस सबको मिला लूंगी। इसको क्या करना है कि अभी हमें ढक के कुकर को नहीं पकाना है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा इसको मैं 2 से 3 मिनट जो है इसको चला के थोड़ा सा भूनूंगी ऐसे मसाले आलू के साथ। फिर इसमें मैं और क्या डालती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने जो है चला के 2 से 3 मिनट, मैंने इसको 3 से 4 मिनट जो है मैंने इसको आलू और चने को भी इसमें भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 कप मैं पानी डालूंगी, पहले 1 कप डाल के देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ये एकदम पानी नहीं बनता है, थोड़ा सा इसकी ग्रेवी रहती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी पानी, और इसमें मैं 1/2 कप और डालूंगी। और इसको डालने के बाद अब मैं जो है देखिए ये ऐसा ही बनता है, और मैं इसको जो है ढक के 3 से 4 सीटी दिलवा लूँगी जब तक कि आलू और ये चना जो एकदम सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी आलू और चने की बंगाली स्टाइल जो है आलू और चना की सब्जी जो है रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसको गर्मा गर्म जो है खाइए और खिलाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।